जाता। व्यापारियों के बीच में बैठा था मैं, राजू राय को सलाम करता हूँ। राजू राय ने कहा, जो दर्द मेरे मन में है, अगर दिल्ली में जाने का एक बार मौका मिला तो पहली जबान जब खुलेगी बुनकरों की बदहाली पे खुलेगी, किसी दूसरे सवाल पे नहीं खुलेगी। मगर इतना बड़ा जज्बा लेके आया है भाई, इतना बड़ा जज्बा लेके आया है भाई, तो आपका फर्ज क्या बनता है? एक तारीख की सुबह मत किसी को ताकलो, मत किसी अफवाहों का ख्याल करना, मत किसी की तरफ चेहरे से चेहरा मिलाना। हर साथी जिम्मेदार बन के यहीं जाके बुनाई विद्यालय के स्कूल पर इतनी बड़ी कतार बंद हो जाना, डिग्री कॉलेज पे हो जाना, सोनी धापा पे हो जाना, और बाल निकेतन के हिस्से में आप मुंशीपुरा के भाइयों, आपका बूथ है, आप सारी तकलीफों को साके कतार बंद हो जाना और इस उंगली पे काली स्याही लगा लेना और काली स्याही लगा के शहादत दे देना कि मैंने जिस राजू राय को वोट किया है हमारे कल के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी इस बस्ती के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। राजू राय ये सवाल बोलेगा, राजू राय ये सवाल उठाएगा। और समाजवादी पार्टी तो आपके हक की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव ने आपके लिए किया, अखिलेश यादव ने किया, आज भी हम बदनाम हैं, आज भी हम करना चाहते हैं, मगर ताकत मिलते मिलते रुक जाती है। ताकत जब जब मिली है तब तक हमने आपके दरवाजे तक कुछ पहुंचाया है। इस बार राजू राय को ताकत दे दो, दिल्ली बोलेगी, दिल्ली खामोश नहीं रहेगी। इन्हीं वादा के साथ, इन्हीं आपके आपके बीच में अपनी बात कहते हुए, अपने नेता, महबूब नेता राजू राय को स्वागत करते हुए आयोजक साथियों आपका भी स्वागत करता हूं। मगर मुंशीपुरा के भाइयों, बड़ा डर लग रहा है कि ये सारा मोबाइल चलता है। आयोग के लोग भी खड़े हैं, मगर आपकी ताली इतनी कमजोर बजी है बा खुदा कहता हूं कि बाहर के लोगों को नहीं मालूम, पीछे का एक भी साथी नहीं बजाया। अगर आप देवासा गिर बन के आए हो तो मैं समझूंगा कि हमारे भविष्य के लिए फिर आप खतरा पैदा करोगे। इस नाते फिर मैं चाहता हूँ इस बस्ती में, इस महफिल में जो खड़े हो, एक बार ताली बजाकर राजू राय का इस्तकबाल करो। ये रही बात, ये रहा आपका जज्बा, हम आपके जज्बे को सलाम करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।